चलिए हम आपको लेके चले हैं मिल्लत नगर की तरफ, जहाँ पर रोड वाइंडिंग या रोड पर जिस तरीके से अवैध है व्यापार करने वालों पर जब महानगर पालिका वहाँ से चिंता करने गई तो अहमद हुसैन सिद्दीकी ने महानगर पालिका वालों को समझा बुझा करके शहरियों का नुकसान न हो इस विषय को लेकर के उन्होंने समझाया बुझा और एक हफ्ते का समय मांग करके उन्होंने कहा कि शहरियों का नुकसान न हो और महानगर पालिका के काम के विकास में हम बाधा न आए या हमारे लोग बाधा न आए, इसलिए हम एक हफ्ते का समय लेकर के उन्हें आश्वासन दिए हैं कि एक हफ्ते के अंदर ये खुद ही अपना जो यहाँ पर अवैध निर्माण किए हैं उसको निकाल लेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं अहमद हुसैन सिद्दीकी जी को, जो पूर्व महापौर भी हैं और वर्तमान नगर सेवक भी हैं। देखिए, ये 40 फीट डीपी रोड है, तो वो रोड बनने जा रहा है आरसीसी। जिन लोगों ने अधिक्रमण किया है उनको आज महानगर पालिका ने आगे नोटिस दिया है और विकास का काम है, और लोगों को अपने हाथ से भी छाट देना चाहिए। महानगर पालिका कार्रवाई करेगी तो उनका काफ़ी नुकसान होगा, इसीलिए मैंने उनको कहा है कि आप 7 दिन का इनको टाइम दीजिए कि अपने हाथ से आपका 40 फीट डीपी रोड आपके हाथ में दे देंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, आप तो देख रहे हैं 40 फुट से कहीं ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा जो पैसे दे दिया है, जहाँ पर जो है गटर की समस्या आएगी, वो समस्या आएगी, इनको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को तकलीफ है इस विषय को लेकर। नहीं, जब 40 फीट डीपी रोड रहेगा, गटर के साथ में रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो 40 फीट गटर के साथ में है, हाँ गटर के साथ में, फुटपाथ उसमें शामिल है जी।